एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था मैं यहाँ आऊँगी, क्योंकि अब काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड जगह है स्कर्दू में. तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, क्योंकि यूजुअली आई थिंक आई कैन से के इट्स वर्थ द हाइक. इतनी मुश्किल हाइक भी नहीं है, 1 घंटे की हाइक है, और इसके बाद आपको जब ये व्यू मिलता है ना देखने को, तो आप इतनी गर्मी में, वो भी स्कर्दू में, यूजुअली कराची से लोग आते हैं कि ठंडा मौसम मिलेगा, यहाँ पे अब गर्मी है. सो जब आप यहाँ पे आते हो तो ठंडा वाटरफॉल इज़ समथिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन. ट्रैकिंग इज़ क्वाइट ईजी, आई थिंक मीडियोकर लेवल की है, इतनी मुश्किल भी नहीं है. और बीच में आपको फ्रूट्स के दरख्त वगैरह मिलेंगे, तो स्नैक्स के लिए भी अच्छा है, इतना मुश्किल नहीं है ट्रैकिंग. और एक बच्चे ने हमारे साथ किया है, सो आराम से बच्चे भी कर सकते हैं. इट्स अ वेरी ईजी गो ट्रैक. जी बिल्कुल, बल्तिस्तान खूबसूरती में बेमिसाल है, लेकिन बल्तिस्तान के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो अब भी अनएक्सप्लोर हैं, सयाहों की रसाई वहाँ तक नहीं है. उन्हीं सयाहों की नज़रों से ओझल तफरी मकामात में एक थोरगो वाटरफॉल है, और थोरगो आबशार जो है स्कर्दू शहर से सिर्फ चंद किलोमीटर की दूरी पर वाकई है. स्कर्दू का नवाही इलाका थोरगो आप आते हैं, थोरगो खुद भी खूबसूरती बेमिसाल है. थोरगो से ऊपर अगर आप 1 घंटे की ट्रैकिंग करते हैं तो ये खूबसूरत आबशार आपको दिखाई देती है. इस अपने आबशार के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो काफ़ी ऊंची आबशार है. इस वक्त यहाँ का जो पानी है वो काफ़ी कम है, और अगस्त के महीने में आकर यहाँ पर पानी की जो मकदार है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और सयाहों की यहाँ तक रसाई जो है काफ़ी आसान है. जो ख़ासतौर पर वो तमाम अफराद जो ट्रैकिंग के शौकीन हैं वो यहाँ तक आ सकते हैं. लगभग 1 घंटे की आपने ट्रैकिंग करनी है, तहम ये इलाका अब भी अनएक्सप्लोर है, हिडन है, इसलिए बहुत सारे सयाह यहाँ पर आ नहीं पाते हैं. मुकामी हो इंतज़ामिया की ये कोशिश है कि ये इलाका भी सयाहों के लिए एक्सप्लोर हो और यहाँ तक सयाहों की जो रसाई है वो आसान बनाई जाए. अगर यहाँ तक सयाहों की रसाई आसान बनाई जाए तो शहर के करीब ये बहुत बेहतरीन पिकनिक पॉइंट बन सकता है. जी, थोरगो आबशार का शुमार वतन अजीज की बड़ी आबशारों में होता है. माहिरीन कहते हैं कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुदरती आबशार है. ये आबशार स्कर्दू शहर के नवाही इलाके थोरगो में वाकई है. स्कर्दू शहर से यहाँ तक रसाई भी कदरे आसान है. अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो लगभग 1 घंटे की ट्रैकिंग के बाद आप इस दिलफरेब आबशार तक पहुँच सकते हैं. दिलफरेब आबशार पर जाने का मौजू वक्त जुलाई और अगस्त का है. इन दोनों महीनों में यहाँ पानी बेहतर होता है और अतराफ में सब्ज़े की बहार भी होती है. ये वो ट्रैकिंग पॉइंट है जहाँ से आपने गुजरना है, और आबशार काफ़ी ऊंची है, लगभग 300 से 400 मीटर एक अंदाज़े के मुताबिक इसकी हाइट बताई जाती है. अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो फोटोग्राफी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत जगह है. आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जा सकते हैं, ट्रैकिंग का शौक़ भी पूरा कर सकते हैं और आसानी के साथ इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं. हाँ बिल्कुल, अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो यकीनन ये पूरे 1 दिन का ट्रैक है, तो आप अपने साथ अपना फूड लाजमी तौर पर लेके जाएं, खाना लाजमी तौर पर लेके जाएं, क्योंकि अतराफ में कोई होटल नहीं है. लेकिन हौसला अफजा बात यह है कि यहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हैं अपने साथ. अगर आप टेंट लेकर जाते हैं और तो आप आबशार किनारे जो है वो कैंप लगा सकते हैं और अपने इस सफ़र को और ज़्यादा यादगार बना सकते हैं. छोटा सा टेंट आप अपने साथ कैरी कीजिएगा और ऊपर कैंपिंग लाजमी तौर पर कीजिएगा. पानी के शोर को महसूस कीजिएगा और ताज़गी को महसूस कीजिएगा. थोरगो आबशार का शुमार उन मकामात में होता है जो अभी भी सयाहों की नज़रों से ओझल हैं. अगर इस मकाम की तशहीर की जाए तो ये दुनिया जहाँ के सयाहों को अपनी जानिब रागिब कर सकता है. सब्ज़ा, पानी, सहरा और पहाड़ों का एक साथ इम्तज़ाज, इतना हसीन इम्तज़ाज किसी और पॉइंट पे आपको देखने को नहीं मिल सकता. आप थोरगो जाएं तो आपको ये तमाम चीज़ें एक साथ मैसर आएंगी. नीचे आपको दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन सर्द सहरा सरफा रंगा दिखेगा, उसके साथ थोरगो की खूबसूरत वादी यानी कि तहतनिगा सब्ज़े के पहाड़, और उसके बाद सिलसिलाए कराकरम के पहाड़ और सिलसिलाए कराकरम के पहाड़ों का सीना चीरता हुआ ये आबशार जो है आपको फितरत के रंगों में खोने पर मजबूर कर देगा.
तो अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो पकड़िए अपना टेंट और निकल जाइए थोरगो की जानिब। थोरगो तक सिर्फ कोई तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव है। 15 मिनट की ड्राइव के बाद आप पहुंचेंगे स्कर्दू के नवाही इलाके थोरगो। और थोरगो जिन्होंने विज़िट किया उन्हें पता है कि एक बुज़ुर्ग का आस्थाना या आलिया भी वहां पर है। तो सामने एक फ्रूट शॉप है, उस फ्रूट शॉप से आपने ऊपर की जानिब ट्रैक शुरू करना है। और ये वो ट्रैक का रास्ता है। रास्ते में जो ट्रैक है वो बहुत ज़्यादा दिलफरेब है और देहमहला ही है। और ट्रैक के साथ अपने साथ स्टिक लाजमी तौर पर रखें क्योंकि काफ़ी हाइट है और जो लोग ताज़ा ताज़ा ट्रैकिंग कर रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो फिर आपको स्टिक लेने की कतन इतनी शदीद ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पहली बार ट्रैक कर रहे हैं या पहली बार इस इलाके की तरफ जा रहे हैं तो आपको नीचे से काफ़ी नज़दीक नज़र आएगी ये आबशार। लेकिन जो जो आप बुलंदी पर चढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये आबशार बहुत दूर है। वो कहते हैं ना सराब में आप सहरा में होते हैं तो आपको रेत भी पानी की तरह दिखती है। बिल्कुल यहाँ यही सूरत हाल यहाँ पर ही। ये ट्रैक मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस ट्रैक से गुजर के आपने ऊपर जाना है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने वीलॉग को देखा, आखिर तक देखा। चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी लाजमी तौर पर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू। बस ये लोग और खल तो का